liberal. Be very much liberal. When you think beyond things around you, when you dream like anything, जैसे डॉक्टर कलाम ने कितना प्यारा कहा था कि dream big and work very hard to achieve it. और ये जितना जल्दी समझ जाए उतना बेहतर है. बहुत प्यारा डॉक्टर कलाम ने ही कहा था, मैंने कल भी कहा ये कि एक बच्चे की ऑनेस्टी, एक टीनेजर की एनर्जी और एक ओल्ड मैन की मैच्योरिटी, ये तीनों चीजें जब आप में जमा हो जाए ना, तो आई एम टेलिंग यू आर द परफेक्ट ह्यूमन. आपको अधिकार है सपने देखने का जो भारत का संविधान आपको देता है. आपको अधिकार है सपने देखने का, आपको अधिकार है धार्मिक होने का, आपको अधिकार है धर्म को छोड़कर अधीश होने का. ये अधिकार है, ये अधिकार है आपके. मेरा कहना यह है कि इन सवालों के जवाब आपके दिमाग से पूछिए. सोर्सेस हजारों है नॉलेज के. आज डिजिटल एरा में इतना आसान हो गया नॉलेज गेन करना. अपने माइंड को डेवलप करने के लिए क्वेश्चन एवरीथिंग अराउंड यू. हर एक सवाल पर, हर एक चीज पर प्रश्न कीजिए. मेरे पापा ऐसे क्यों है, मेरा धर्म ऐसा क्यों है, हम ऐसा क्यों करते हैं, हमने वो क्यों नहीं किया, मैंने डॉक्टर बनना चाहिए तो क्यों बनना चाहिए, मैंने इंजीनियर बनना चाहिए तो क्यों बनना चाहिए. ऑब्वियसली आपकी थिंकिंग में प्रैक्टिकलिटी का एलिमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. बट आई एम टेलिंग यू, जो दुनिया के सबसे बड़े लोग हैं वो फिलोसोफर्स हुए, जो दुनिया के सबसे बड़े नाम है वो फिलोसोफर्स हुए, जो दुनिया के सबसे बड़े देश हुए हैं उनमें दार्शनिक लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है. दार्शनिक उसे कहते हैं जो वो उस चीज का दर्शन कर ले जो चीज आज सोची भी नहीं. उस चीज का दर्शन करने के लिए हमें वो थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी. और मैं आपको बोल दे रहा हूं, बहाने मेरे पास भी 50 थे, आपके पास 51 हो सकते हैं. बट इन बहानों से, इन रीजंस को ओवरकम करके जब हम समाज से आगे सोचे तब वो अधिकार होता है कि आज आप वहां बैठे हैं, कल आप यहां बैठे. ये अधिकार और ये सक्सेस इज नेवर एन एक्सीडेंट. सक्सेस कभी भी एक्सीडेंट नहीं होती, ना वो नाना सर की है, ना वो भुजबल सर की है, ना वो अमर भैया की है, ना मेरी है, और ना किसी और की. आप में से छोटी छोटी सक्सेस या बड़ी सक्सेस वो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होती. सक्सेस के पीछे हमेशा स्टडी, सेक्रीफाइस, त्याग पढ़ाई, कुछ सीखना, लर्निंग एबिलिटी, बीइंग क्यूरियस, जानने की इच्छा. शायद मैं कुछ हिंदी गड़बड़ बोल रहा हूं तो संभाल लेना. तो जानने की इच्छा, ये सब चीजें सक्सेस के पीछे हमेशा होती है. आपकी भी होगी. माँ बाप, उनकी तबीयत, उनकी कंडीशन खराब है, मेंटल अपनी मेंटल कंडीशन, पापा की या मदर की, पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन या हमारी इमोशनल कंडीशन, इसके अलावा हमारे दूसरे जो दोस्त हैं इन सब की कंडीशन, ये सब चीजें एटमॉस्फेयर बनाती है आसपास. और इन सब चीजों में बहाने ढूंढने जाओगे तो 100 मिलेंगे, और इन्हीं सब चीजों में जब मौके ढूंढने जाओगे तो 200 मिलेंगे. मैं आपको बोल रहा हूं, अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज देयर, यू नीड टू जस्ट लुक फॉर इट एंड यूज इट टिल द मैक्सिमम. कुछ ऐसा करके दिखाओ कि दुनिया में उठ कर देखो, है ना. 110 करोड़ तो लोग ऐसे ही जी रहे हैं जैसे बहुत ही कॉमन मैन, और 500 लोगों को सुनना और उनसे कोई अपनाना नहीं. उनमें और तुम में फर्क यहां से क्रिएट होना चाहिए. When you listen a man who you think is bigger than me, you listen to good things, you accept it, you live on it. आप उसे सुनते हैं, आप उसे मानते हैं और आप उस पर जीते हैं. इसे कहते हैं कि आप समाज से अलग है, आप एक कॉमन मैन से अलग है. और तब आप में वो पावर या आप उस लायक बनते हैं कि आपको कुछ दिया जाए. रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, पावर नेवर कम्स अलोन, पावर कम्स अलोंग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अधिकारों के साथ या पावर के साथ हमेशा जिम्मेदारियां आती है. वो जिम्मेदारियों के लायक आप है या नहीं ये डिसाइड करना वो परीक्षाएं जो हम दे रहे हैं या हमने देने का सपना देखा है, ये परीक्षाएं वो चीजें डिसाइड करती है. जैसे अमर भैया ने बताया वो स्ट्रगल, मैं एक्चुअली बताना चाहता था आप लोगों को कि होता क्या है कि
लोगों को दिखता है ये सक्सेस कि मैं बन गया और मैं बैठ गया। ऐसा कहते हैं ना कि लोगों को मेरे मंजिल पर पहुंचने की खुशबू जरूर दिखती है, पर मेरे मंजिल पर पहुंचते पहुंचते जो पांव में छाले हुए हैं वो किसी को नहीं दिखता, क्योंकि वो किसी ने देखने की कोशिश भी नहीं। एक्चुअली मुझे यूपीएससी मैं टेंथ में, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था एक्चुअली, आई वाज नॉट अ स्कॉलर। मैंने ये मानना चाहिए कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, क्योंकि मुझे टेंथ में 78% थे, 78%, जो कोई बहुत ज्यादा नहीं माने जाते। हमारे जमाने में थोड़े ज्यादा जरूर होते थे, आज बहुत आसान हो गया 78% लेना, हमारे जमाने में ठीक माने जाते। मैं कोई स्कॉलर स्टूडेंट नहीं था। ट्वेल्थ में मुझे 67%, ये 10 से 12 के बीच के फेज में, जब मेरे फादर एक्चुअली क्लास 10 से, मैं अपने फादर को इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ हमेशा कि क्लास 10 से मैंने अपने पापा को बदलते हुए देखा है। जो पहले जो बहुत स्ट्रिक्ट थे वो धीरे 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 आज ये पोजीशन हो गई कि अब वो मेरे दोस्त जैसे, वो जो उन्होंने वक्त में चेंजेस लाए शायद उसमें मुझे मौका मिला अपने आप को ढालने का। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेरेंट्स भी यहाँ पर है और स्टूडेंट्स भी यहाँ पर है, और जब मैं खुद ढला मैंने दुनिया से सीखा है चीज। मैं वो टिपिकल एक टीचर का स्टूडेंट नहीं हूँ जिसने मार खाई और पढ़ाई की, मैं वो नहीं हूँ। मैं तो उनमें से था जिसने मार भी खाई और पढ़ाई भी की, ऐसा भी हुआ है, और जिसने पढ़ाई की और कभी मार नहीं खाई। मैं ये दोनों तरह के, मैं ये दोनों तरह का रहा हूँ। टेंथ में 78%, ट्वेल्थ मैंने की, 10वीं से 12वीं के बीच में मेरा पढ़ाई से मन बहुत ज्यादा उठ चुका था। ये मुझे इंटरव्यू में पूछा गया है मेरा। एक्चुअली अगर आप परसेंटेज का ग्राफ देखेंगे जो मैंने बोर्ड एग्जाम्स में या अपनी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जो परसेंटेज लिए वो सीधे नीचे गया। 78 इन 10, 67 इन 12, फर्स्ट एमबीबीएस 64%, सेकंड एमबीबीएस 62.5%, थर्ड एमबीबीएस 60% एंड फाइनल एमबीबीएस 59%। ये मेरा ग्राफ था, हमेशा नीचे गया था, और मुझे पता था ये यूपीएससी के एग्जाम मुझसे ये क्वेश्चन होने वाला है, और ये मुझसे पूछा गया। ये जब पूछा गया मुझसे कि आपका ग्राफ ये नीचे क्यों गया है, मैंने कहा कि सर आई एडमिट मेरा फोकस 10 के बाद पढ़ाई से हट चुका था। मैंने अपनी लाइफ टाइम में, ये मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने अपनी लाइफ टाइम में 2 ही एग्जाम एक्सेल किए, 2 ही। एक महाराष्ट्र सीईटी जो प्री मेडिकल टेस्ट हुआ था हमारा 12th के बाद, उसमें मैंने एक्सेल किया, उसमें मेरा 238 रैंक था, मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला में एडमिशन ले लिया। जब मैंने एडमिशन लिया तो फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड होता है तो अपग्रेड होते हुए, तो मैं जब अपग्रेड होते हुए जीएमसी अकोला में टॉप में था, बिकॉज मेरा जनरल कैटेगरी का एडमिशन था, मैं टॉप में था, 175 मार्क्स टॉप में फर्स्ट रैंक। एक ऐसे ही लास्ट एक स्टूडेंट था जिसका मार्क्स थे 115, 115 मार्क्स, मेरे 12th के परसेंटेज 67%, उस लड़की के परसेंटेज 73%, मेरा टॉप, मैं एमएचसीईटी में, मैं लोएस्ट इन बोर्ड। मैं आपको बार बार ये बताना चाहता हूं कि 10वीं और 12वीं के परसेंटेज बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते अगर आप वो पास कर चुके हैं तो। जो भूतकाल है वो कभी भी आपको परेशान नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। जो बीत गया वो बीत गया, आगे के बारे में सोचो। और ये मैं आपको बता दूं, अगर 3 महीने बाकी है किसी चीज के लिए, 4 महीने बाकी या 1 साल बाकी है, वक्त कभी कम नहीं होता सक्सेसफुल होने के लिए, कभी भी नहीं। आज खानो, आज से शुरू करो। बात यह है कि आज के बाद तुमने क्या किया, आज ठानने के बाद तुमने क्या किया। तो मैंने 10th और 12th के परसेंटेज, मेरे 10th के बाद मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि इधर आओ, मैं पास में गया था, मुझे याद है वो दिन एग्जैक्टली, एक्चुअली शायद पापा को याद नहीं होगा, और मुझे कहा था कि देखो तुम जो कर रहे हो ये जैसा मुझे तुम दिख रहे हो, इस हिसाब से मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं एक टीचर हूं, मेरी एक सैलरी है, मेरी ये पोजीशन नहीं है कि मैं तुम्हें प्राइवेट में पढ़ा सकूं, ना मेरी ये पोजीशन है कि मैं तुम्हें कोई दुकान खोलकर दे सकूं। मैं हद से ज्यादा कर जो कर सकता हूं वो गवर्नमेंट की फीस दे सकूं। अगर जो जिंदगी जी रहे हो, ध्यान से सुनना ये बात, अगर जो जिंदगी जी रहे हो इससे बेहतर जिंदगी जीना चाहते हो तो पढ़ो, क्योंकि वी बिलोंग टू अ मिडिल क्लास। अगर यहां से बेहतर तुम्हें कोई चीज लेकर जा सकती है तो वो एजुकेशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और अगर नहीं चाहते हो तो ये ध्यान में रखना कि इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर है। कल ये नहीं बोल सकते तुम
कि कहीं ना कहीं मैं रिस्पॉन्सिबल था या मैंने तुम्हें अवेयर नहीं करवाया। किताबें तुम्हारे पास है, किताब लेने के लिए पैसे मेरे पास है, मैं किताब आओ तुम्हें लेकर दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे एडमिशन गवर्नमेंट में करवा सकता हूँ। इसके ऊपर मेरी औकात नहीं है, और इसके ऊपर मेरे ख्याल से एटलीस्ट 65% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की उनकी पोजिशन ये भी है, वो मिडिल क्लास। ये उन्होंने मुझे तब बता दिया, शायद तब मैं सुधरा नहीं, और फिर भी मुझे 67% आया। उसके बाद 3 महीने मेरे पास थे, मैंने सीईटी दी और एमबीबीएस कर लिया। एमबीबीएस के बाद मुझे अंडरस्टैंडिंग आ गई, मैंने एमबीबीएस करने के बाद पीजी प्रिपेयर किया, और पीजी प्रिपेयर करते करते मैंने बीच में डिसाइड किया कि नहीं मुझे सिविल सर्विस में जाना है, और मैं गया। यूपीएससी ने मुझे जो दिख रहा है ना, मैं वो छालों के बारे में बात कर रहा था, यूपीएससी ने मुझे उल्टा करके सर के बल पटका है। लेट मी टेल यू, मेरा खुद का फ्रेज है, तो मेरा खुद का फ्रेज है, जब भी मुझे लोग पूछते यूपीएससी की जर्नी कैसी थी, तो वो ऐसी थी, उसने उल्टा करके मुझे पटका है सर के बल, और बार बार पूछा है कि फिर से करेगा, और मैंने कहा नहीं करूंगा। उसने फिर से पटका और मैंने फिर से पूछा कहां करूं, और ये करूंगा। यूपीएससी ने मुझे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यूपीएससी का बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने से बेहतर है यूपीएससी का सिलेबस। यूपीएससी का सिलेबस और यूपीएससी के फेलियर्स, इन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं यहां बैठ सकूं। मुझे लगता है अगर आज से 4 साल पहले अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, 3 साल पहले अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होकर यहां बैठता ना, तो शायद वो घमंड मुझ में बचता, वो घमंड जो आज मुझ में चूरा चूर है। मुझे पता है कि आमिर सिद्दीकी वो दिन दूर नहीं थे जब तुम वहां थे, और वो दिन कल भी दूर नहीं है जब तुम वहां बैठना पड़े थे, क्योंकि वो दिन कभी भी आ सकता है। वो घमंड, वो गुरूर जो जवानी का सब था, वो सब यूपीएससी ने निचोड़ दिया। मैं आज सिर्फ आमिर हूँ और मैं यहाँ बैठा हूँ, ये तो शर्म की बात है मेरे लिए, शायद ये गर्व महसूस नहीं कर सकता मैं इसमें कि मेरे पेरेंट्स नीचे बैठे हैं और मैं ऊपर हूँ, क्योंकि बचपन से उन्होंने ही सिखाया, उन्होंने ही बनाया, वो तो शायद किस्मत इतनी अच्छी है कि ऊपर बैठा हूँ। इसके अलावा 2-3 और बातें मुझे आपसे कहनी है, बहुत कम वक्त पे, क्योंकि टाइम मैं बहुत बड़े लोगों का बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। तो एक बात के ड्रीम डिस्कवर एंड एक्सप्लोर थिंग्स, बहुत बहुत बड़ा सोचिए, बहुत बड़ा, क्योंकि तुम कोई भी हो, बड़ा सोचने वाला कोई तुम जैसा ही था। नाना सर का बैकग्राउंड कोई भी, कोई वो बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे थे नहीं, उनका बैकग्राउंड बहुत ही हम्बल है, वो मुझे पता है। वो बैकग्राउंड से वो आज गोंदिया भंडारा रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं इन पार्लियामेंट, द टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी, वहां रिप्रेजेंट करना कोई छोटी बात नहीं है। ये जो बैकग्राउंड की बातें है ना, ये सब बहाने, ये एक कमजोर इंसान की पहचान है कि मैं ऐसा हूं इसलिए नहीं हो सकता। और जबकि आज डिजिटल एरा में गाइडेंस लोकल लेवल पर अवेलेबल, लोकल लेवल पर, ये शिंदे सर जैसा आपने कहा कि हर एक इंसान के पीछे एक स्टोरी होती है, शिंदे सर ने भी अपना एक बहुत बड़ा त्याग कर ये चीजें जो वो कर रहे हैं, ये चीजें आपको यहाँ पर इस लेवल पर जो गाइडेंस अवेलेबल है इसको यूटिलाइज कीजिए। पीपल डोंट डू दिस। एक्चुअली मैं गोंदिया से हूँ, मैं हमेशा तैयार हूँ, आप जब बुलाएंगे मैं आने के लिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मेरा नंबर आप रख लीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। अगर मैं आपको दिन भर बिजी हूँ, मैं अगर रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं 50 लोगों को आज भी करता हूँ, रात को सोने के पहले मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ, कि अगर आपको कोई ऐसा कुछ हो कि मैं गाइड कर सकूँ तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सर कुछ दिनों बाद तो अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर देंगे यूपीएससी का भी, कुछ दिनों बाद आपको गाइडेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब चीजें आज डिजिटल एरा में यहाँ पर अवेलेबल है, दिल्ली के पूरे नोट्स ऑनलाइन अवेलेबल है, हर एक चीज अवेलेबल है। जहां कमी है वहां आप खुद में है डिटरमिनेशन। अगर ये करना है, सच में समाज पे इम्पैक्ट लाना है, तो ये बहुत अच्छा रास्ता है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स का रास्ता जो एक्चुअली हमारे लॉ मेकर्स है, वो रास्ता आपके लिए बंद हो जाता है। बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स है जो एक्चुअली बाद में पॉलिटिक्स में एंटर होते हैं, और ऐसा आप भी कर सकते हैं। आज अपना भविष्य सिक्योर करने के लिए और समाज में कंट्रीब्यूट करने के लिए ये बेस्ट रास्ता है, इसमें कोई डाउट नहीं। सेकंड बेस्ट रास्ता मुझे बीइंग अ डॉक्टर ये लगता है कि वो डॉक्टरी था जो मैंने छोड़ा, उसके पीछे रीजन था कि मुझे क्यूरेटिव डोमेन से ज्यादा प्रिवेंटिव डोमेन पर काम करना था, उसके लिए मैंने वो छोड़ा।
वो भी कोई गलत नहीं है, ना इंजीनियर बनना गलत है, ना डॉक्टर बनना गलत है, और ना सिविल सर्वेंट बनना गलत है। मैंने आपको हमेशा कहा, ये पिछले बार भी मैंने कहा था, कल भी मैंने ये कहा था गैलरी में जो लोग थे, कि सबसे बड़ी देशभक्ति है आपका अपना काम ईमानदारी से करना, आपका अपना काम, ये सबसे बड़ी देशभक्ति है। इसके अलावा देशभक्ति की परिभाषा को मैं नहीं जानता। देशभक्ति अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप टीचर है, अगर आप सिविल सर्वेंट है, अपनी खुद की ड्यूटी सबसे ज्यादा ईमानदारी से कीजिए। स्टूडेंट की ड्यूटी है पढ़ना, अपने एम के तरफ फोकस रहना, टीचर की ड्यूटी है बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना। ये सब अपनी ड्यूटीज अगर पूरी तरह से निभाए तो मेरा देश वही है। वरना डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने, जिन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान का आइडिया काफी फेमस करने में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, वहां पर उनको मैं क्रिटिसाइज भी करता हूँ, बट उन्होंने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी थी हिंदुस्तान को, और वो एक्चुअली मैं हमेशा याद रखता हूँ, क्योंकि वो चीजें मेरी, वो वर्ड्स मेरी आंखें फाड़ देते हैं कि वतन की